नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है हम मध्य प्रदेश के पूरे बावन जिलों की जिले वाइज तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उसी क्रम में हम आज जिला हरदा पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों हरदा जिला जैसा कि आप सबको मालूम है नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है मैंने पहले भी बताया था नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत तीन जिले आते हैं हरदा होशंगाबाद और बैतूल तो दोस्तों आज हम हरदा पढ़ रहे हैं आइए शुरू करते हैं हरदा और दोस्तों हरदा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हरदा सबसे पहले दोस्तों मैप में स्थिति देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है हरदा जी हाँ दोस्तों ये जो पीला वाला भाग है वो हरदा है होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आने वाला ये जिला है दोस्तों एक रेलवे स्टेशन का फोटो लिया हुआ है हरदा जिले का जैसा कि हर वीडियो में मैंने हर जिले के रेलवे स्टेशन का फोटो लेने की कोशिश की है आइए दोस्तों शुरू करते हैं जो भी आईएमपी फैक्ट्स हैं सबसे पहला दोस्तों जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है हरदा जिला 25 मई उन्नीस को होशंगाबाद से कटकर जी हाँ दोस्तों पच्चीस मई उन्नीस को हरदा जिला बना और दोस्तों ये पहले होशंगाबाद का ही भाग हुआ करता था और होशंगाबाद से कटकर ही हरदा जिला अस्तित्व में आया कब आया 25 मई उन्नीस को अगला पॉइंट दोस्तों मैंने लिखा हुआ है हरदा जिला नर्मदापुरम संभाग के अंत के अंदर आने वाला जिला यानी कि अंतर्गत आने वाला जिला है दोस्तों हरदा जो जिला है नर्मदापुरम संभाग का जिला है मैंने पहले ही बता दिया है तीन जिले आते हैं दो जिले हम पहले ही पढ़ चुके हैं आज तीसरा जिला पढ़ रहे हैं अगला पॉइंट दोस्तों बोरी अभ्यारण्य जो कि हमने होशंगाबाद जिले में पढ़ा था उसका दोस्तों कुछ भाग हरदा ज़िले में भी आता है जो बोरियभ्यारण है जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था होशंगाबाद जब हम पढ़ रहे थे दोस्तों उसका थोड़ा सा भाग हरदा ज़िले में भी आता है परंतु जब इसका क्वेश्चन आए कि बोरियभ्यारण किस जिले में है तो उसका आंसर होशंगाबाद ही होगा चूँकि ज़्यादा भाग होशंगाबाद में आता है अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है हरदा ज़िला ग्यारह हरदा जिला दो की जनगणना के अनुसार प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है जी हाँ दोस्तों यदि 2011 की जनगणना देखी जाए तो प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला हरदा है और दोस्तों यदि वर्तमान में देखा जाए तो निवाड़ी ज़िला बना हुआ है अभी नया 2018 में निवाड़ी ज़िला बना है एक अक्टूबर 2018 को तो दोस्तों निवाड़ी क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी वर्तमान स्थिति के अनुसार सबसे छोटा जिला है परंतु दोस्तों यदि दो के अनुसार पूछा जाए तो हरदा ज़िला सबसे छोटा जिला है और दोस्तों वर्तमान में यदि नंबर वाइस देखा जाए तो हरदा तीसरे स्थान पर आ जाता है जनगणना के अनुसार सबसे छोटे में पहले नंबर पर दोस्तों निवाड़ी आ जाता है दूसरे नंबर पर आगर मालवा और तीसरे नंबर पर हरदा जिला आ जाता है अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों मिनी पंजाब कृषि के कारण जी हाँ दोस्तों हरदा को मिनी पंजाब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कृषि होती है अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है हरदा जिला सर्वाधिक जोत भूमि प्रतिशत बाला जिला है जी हाँ दोस्तों जो सबसे ज़्यादा भूमि है खेती की भूमि है प्रतिशत में वो हरदा जिले में है इसलिए दोस्तों हरदा को क्या कहा जाता है सबसे ज़्यादा जोत भूमि प्रतिशत बाला जिला चूँकि सबसे ज़्यादा जो कृषि की भूमि है वो हरदा ज़िले में है अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है काना बाबा का, का मेला जी हाँ दोस्तों काना बाबा का मेला हरदा जिले में लगता है और कहाँ पर लगता है सोडलपुर हरदा में लगता है दोस्तों और दोस्तों यहीं पर काना बाबा की समाधि है और काना बाबा की समाधि पर ही ये मेला लगता है दोस्तों अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है हरदा जिले से बहने वाली प्रमुख नदियाँ गंजाल एवं नर्मदा हैं उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है ऐसा माना जाता है कि हंडिया नर्मदा नदी के मध्य बिंदु पर स्थित है जी हाँ दोस्तों हंडिया हरदा ज़िला के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है एक तो वहाँ पर दोस्तों क्या है हंडिया नर्मदा नदी के मध्य पर माना जाता है चूँकि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल कर आ रही है और दोस्तों गुजरात तक जा रही है तो उसका यदि सेंटर देखा जाए तो हंडिया को उसका सेंटर माना जाता है और दोस्तों जो तीर्थ यात्री नर्मदा नदी की परिक्रमा और आदि तीर्थ करते हैं तो दोस्तों वो भी हंडिया से ही शुरू करते हैं चूँकि इसको मध्य में माना जाता है अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है गांधी जी ने हरदा जिले की चार बार यात्रा की थी जी जिया दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के समय पर गांधी जी ने हरदा जिले की कई बार यात्रा की तो दोस्तों कितनी बार चार बार गांधी जी ने हरदा जिले की यात्रा की अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है हरदा जिले को भुआना के नाम से जाना जाता है जी जिया दोस्तों भुहाना के नाम से इसको जाना जाता था और भुहाना का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है उपजाऊ भूमि चूँकि दोस्तों इसकी भूमि उपजाऊ है हमने पहले भी पढ़ा कि ये मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है कृषि के कारण तो दोस्तों इसका पुराना नाम भुआना अर्थात उपजाऊ भूमि था अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है हंडिया यहाँ पर जो भी पर्यटन स्थल हैं हंडिया तेलीसराय काना बाबा की समाधि मकड़ाई का मेला आदि धार्मिक व पर्यटन स्थल हरदा जिले में स्थित हैं दोस्तों हरदा जिले से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें धन्यवाद दोस्तों